हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पंचम पाठ, आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ सूर्योदय, पाठ छः सूर्य उदय। ठीक है, सूर्य उदेति प्रभातम भवति। सूर्य उदेति यानी सूर्य उदय होता है और प्रभात यानी प्रातःकाल होती है। सूर्य से प्रकाशः प्रसरति, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उजाला चारों ओर फैलता है। ठीक है, प्रसरति यानी फैलता है। कमलानी विकसन्ति, कमलानी यानी कमल के, विकसन्ति यानी खिलते हैं, कमल के फूल खिलते हैं, कमल खिलते हैं। भमरः गुंजन्ति, भौरे गुंजन करते हैं, गुंजन्ति यानी गूंजते हैं, भौरे गूंजते हैं। खगाः गीतम गायन्ति, खगा यानी पक्षी, खगा यानी पक्षी, गीतम यानी गीत, गायन्ति यानी गाते हैं, पक्षी गीत गाते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मृगाः धावन्ति, हिरण दौड़ते हैं। जनाः उत्तिष्ठन्ति, जनाः उत्तिष्ठन्ति मतलब जना यानी लोग, उत्तिष्ठन्ति यानी उठते हैं, उत्तिष्ठन्ति यानी उठते हैं, लोग उठते हैं। उठते यानी जब सुबह होती है तब चारों ओर उजाला हो जाता है, फूल खिलते हैं, भंवरे गूंजते हैं और पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है कि नहीं देती है, सुबह देती है ना। रमेशः उत्तिष्ठति, हस्तो पादो च प्रक्षा लयति, ईश्वरम नमति च, है ना। रमेश उत्तिष्ठति, रमेश उठता है, हस्तो पादो च प्रक्षा लयति हाथ और पैर धोता है, ईश्वरम नमति च और ईश्वर को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। सुरेशः स्नानमः करोति, ततः दुग्धं पीबति, विद्यालयं गच्छति च। सुरेश स्नानम मतलब सुरेश स्नान करता है, नहाता है। ततः दुग्धं पीबति, ततने उसके बाद सुरेश क्या करता है, नहाता है, उसके बाद दूध पीता है और फिर विद्यालय जाता है। गच्छति यानी जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय। आप लोग भी सुबह करते हो ना, सुबह उठते हो, नहाते हो, दूध पीते हो और उसके बाद विद्यालय में आते हो ना, उसी प्रकार सुरेश भी करता है। आवाम गणितम पठावः, आवाम ने हम दोनों गणित पढ़ते हैं। ते विज्ञानम पठन्ति, वे विज्ञान पढ़ते हैं। बालिका संस्कृतम पठती, बालिका जो है, लड़कियां जो है वो संस्कृत पढ़ती है। वयम कार्यम पूर्वम, हम सब हमारा कार्य करते हैं। कृषुकाः क्षेणानि ही गच्छन्ति, कृषुका यानी किसान, कृषुका यानी किसान, क्षेणानि यानी खेत में, क्षेणानि यानी खेत में, गच्छन्ति यानी जाते हैं, किसान खेत में जाते हैं। सर्वे जना स्वकार्यम कुर्वति, सर्वे ने सभी जना ने लोग, स्वकार्यम ने अपना कार्य, कुर्वन्ति ने करते हैं, सभी लोग अपना कार्य करते हैं। सूर्योदय सर्वेषां मंगलकारकम अस्ति, सूर्योदय जो है वह सभी लोगों के लिए क्या है, मंगलकारक है, है ना। सूर्योदय जो है सभी लोगों के लिए मंगलकारक है। ठीक है, आपको ये वाला जो पाठ है इसको पढ़ना है, जिस तरह से मैंने आपको एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बताया है आपको भी उसी तरह इसको पढ़ना है और हिंदी अर्थ भी करना है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ, उदेति उदय होता है, प्रभातभ प्रातःकाल, प्रसरति फैलता है, विकसन्ति खिलते हैं, भमरा भौरे, खगा पक्षी, उत्तिष्ठन्ति उठते हैं, हस्तो पादो च हाथ और पैर, प्रक्षालयति धोता है, दुग्धम दूध, कृषुका
किसान। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ भी पढ़ना है और ये शब्दार्थ भी पढ़ना है और इस शब्दार्थ को आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।